उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मानसून की दस्तक सुनाई दे रही है, वैसे वैसे उन दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही जिनके सर पर कच्ची छतें हैं। ये छतें या तो टपकती हैं या ढहने का खतरा बराबर इनमें बना रहता है। चुनाव लेकिन कोई भी हो, नेताओं के पास हमेशा लंबी चौड़ी फेरहिस्त होती है वादों की, जिसमें सबसे बड़ा वादा होता है पक्के मकानों का। लेकिन धरातल की हकीकत क्या है आप सबको पता है। केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, सभी गरीबी उन्मूलन के प्रयास में बराबर लगे हैं। लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों प्रधानों का क्या करिएगा जो चुनाव से पहले तो गरीबी हटाते हैं लेकिन चुनाव के बाद गरीब को ही हटा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के अमियापुर विकासखंड के बघौली गांव के कुछ लोगों की दास्तान आपको झकझोर देगी, क्योंकि उन्हें हक मांगने पर फटकार मिलती है और गरीबी उन्हें रोने को लाचार करती है। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखें ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है? चंपा नाम है। क्या समस्या है? पन्नी परिया प्रधान से कही है और सुनाई ना रहे हैं वे लोग। अच्छा, मकान कच्चा? मकान कच्चो है और पन तपकतो है, रात का पानी उनसे इतना भज जाए, इतना भज जा तो है उनसे तरह सोने का तनिया बारिश हो तो सोना। अच्छा, प्रधान से कहा? प्रधान से कही, सुनते ना आप प्रधान हैं। देख कर चले जाते हैं। और किसी अधिकारी से शिकायत? अधिकारी से क्या करिए, जे लोग जे नेता लोग हैं जे अपने जाते हैं जे गाँव बारे तो जे ना सुनता ऊपर का ही तो ये क्षमा पड़ जाता है। क्या नाम है? राकेश। क्या समस्या है? सब मकान कच्चे हैं, रहे तो रहे कहाँ में? अच्छा, कहीं हमने शिकायत की बात तो कहीं करी नहीं है। अच्छा, किसी अधिकारी शिकायत की आपने? किसी अधिकारी से शिकायत नहीं करी, प्रधान से बोली थी, प्रधान सुनी नहीं। अच्छा, क्या करें था? रहे तो रहे कहाँ वहाँ कहा, यहाँ से बढ़िया तो हम परदेश में रहते हैं। काम नहीं है माननीय विधायक जी के लिए और माननीय सांसद जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए हमारी बात सुनने का टाइम नहीं है। और जब जब चुनाव आता है तो ढूंढते फिरते हैं कि वो बूथ अध्यक्ष कहाँ, फलाना क्या, कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ, तो परसेंट देखते हैं। और जब काम का समय आता है तो परसेंट कुछ नहीं होता। गांव में नहीं, क्योंकि गांव का मुखिया ना मुकदमा सुन फेस कोई नहीं है। गांव में तो हाँ। गांव में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ नहीं? कोई नहीं हुआ। क्या नाम है? मेरा धर्मपाल सिंह राजपूत। क्या समस्या है? समस्याएं गांव की बहुत समस्याएं हैं। गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास से लेकर और खंजा है, नाली है, किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। और हम समस्त ग्रामवासी 2024 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमारे गांव का कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी को आपने अवगत कराया? पार्टी माननीय विधायक जी को अवगत कराया, सांसद जी को अवगत कराया है और माननीय श्री बीएल वर्मा जी की तो यहाँ ननिहाल भी है, उनसे भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि कुछ भी विकास कराया जाए। ये हमारे कोई सुनने के तैयार नहीं है, इसलिए हम 2024 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी का वोट नहीं डालेंगे।